वेलकम बैक। हम लोग आपके साथ बात कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट रूल नंबर टू के बारे में। इन्वेस्टमेंट रूल नंबर टू ये है कि आप कभी भी किसी से भी पैसा उधार लेके मार्केट में नहीं लगाएं। अगर आपको ये लगता है, एक्चुअली क्या होता है कि हम जब मार्केट के अंदर एंटर कर जाते हैं और हमें दिखने लगता है कि मार्केट जो है इतनी रफ्तार से भाग रहा है, ऐसे तेजी से भाग रहा है, तो हम लोग अपने दिमाग के जो पुर्जे मतलब हैं उसको तेजी से घोड़े तेजी से दौड़ाने लगते हैं। अच्छा, मैंने 2 लाख के ऊपर 10% 20% कमा लिया, 40,000 कमा लिया, अगर मेरे पास 2 लाख नहीं होते 10 लाख हो गए तो क्या होता। अब है तो 2 लाख, चाहिए 10 लाख, क्योंकि दिमाग जो है वो तेजी से भाग रहा है। हम लोग कहते हैं कि तू लोन दे दे, कहीं से 5-10% पे, कहीं से 20% पे उठा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें लगता है कि हम मार्केट से जो है वो 40% कमा लेंगे। बट मार्केट कभी भी सर्टे नहीं है। अगर आप कोई भी पैसा ब्याज पर, उधारी पर अगर आप उठा के मार्केट में लगा रहे हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा टेंशन रहेगी कि आपको लोन का जो इंटरेस्ट है वो पे करना है। मार्केट कभी भी गारंटी नहीं देता, आई रिपीट, मार्केट कभी भी गारंटी नहीं देता। अगर आप गारंटी के कारण से आपको लगता है कि 40% आपने पिछले साल कमाया, इस साल भी आप 40% ही कमा लेंगे, आप बहुत 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 गलत हैं। हो सकता है कि इस बार आपको 40% दे दे, और हो सकता है कि ना दे, 5% दे, हो सकता है कि -20% दे। मार्केट जब चलता है तो इतनी तेज रफ्तार से चलता है कि एक साल के अंदर ही 3 गुना 4 गुना 6 गुना कर देता है, और जब डाउन जाता है तो वही मार्केट जो है वो रफ्तार से डाउन भी आता है। तो यहां पर मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, बट आपके लोन के ऊपर ब्याज, आपके लोन के ऊपर जो किस्त है आपकी, वो सर्टेन है, वो आपको हमेशा हमेशा तंग करेगी। सो बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना कोई भी पैसा उधार लेकर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करें। आप हमेशा हमेशा उस पैसे को इन्वेस्ट करें जो पैसा आपको बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं है आने वाले कुछ सालों के लिए। ठीक है सर। सो दिस इज आवर बेसिकली पार्ट नंबर 2, डोंट बोरो एनीथिंग फॉर द स्टॉक मार्केट। थैंक यू वेरी मच।